हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 का प्रीलिम एग्जाम का मॉक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो डेफिनेटली एक बार इस क्वेश्चन पेपर को देख लेना। मैं नहीं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन पेपर पे से ही सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं, बट मे बी 20% से ज्यादा क्वेश्चंस या 30% से ज्यादा क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से आ जाएंगे। तो एक बार तो आपको देखने में कुछ नहीं जाता है, जस्ट ऊपर से आपको इसको चेकआउट करना है। बस मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर शॉर्टकट में दे रखे, बाकी आपको रिसर्च करके आराम से इसके बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा बन जाता है। सारा आंसर बताना और तैयार करने में थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अल्कोहल कंजम्पशन इज मेनली अफेक्टेड यास सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ओके, फोटोवोल्टाइक सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियसली यार, फोटोवोल्टाइक सेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? फोटो का मतलब होता है द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, द पार्टिकल्स ऑफ लाइट विच कंटेन एनर्जी, दैट इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो क्या करते हैं, एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डैश ब्रिंग द कोडेड मैसेज फ्रॉम द डीएनए, कौन लेके आ जाता है? एमआरए। या भाई हम बता, देखो कॉन्सेप्ट बताने का बहुत मन कर रहा है लेकिन यूट्यूब पे बताना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो ऑफलाइन सेशन जो संडे को होंगे उसमें जरूर ज्वाइन करना। लेकिन तभी भी आपको बता देते, एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। उस इंफॉर्मेशन को एमआरएनए चुराता है, यू कैन से कॉपी करता है, और एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स में या आहार आरएनए को इन्फॉर्मेशन दे के प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। तो एमआरएनए वो मैसेज को डीएनए से ले लेता है, ये ध्यान रखना। डैश बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिग्नुमिनस प्लांट हेल्प इन राइजोबियम। या आपको पता है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा, राइजोबियम का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और वो जब एयर में रहेगा तो उसको क्या करेगा, राइजोबियम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके उसको उसके नाइट्राइड्स बना लेगा, जिसको एज अ प्लांट यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या नाम है, राइजोबियम। ओके, विच फेज इज द कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर कंप्लीटली। एक क्वेश्चन तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूं, तो लेट्स सी, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक्टिव है या नहीं। तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में टिक करके बताना है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कंप्लीटली। कौन से स्टेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर होगी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, या मेटाफेज या एनाफेज। तो ऑब्वियसली मैं गारंटी देता हूं डी तो नहीं है, बस आपके लिए अभी तीन ऑप्शन है और उसका ढूंढ के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन, आइडेंटिफाई द कोरिलेशन टू फर्स्ट टू वर्ड्स सजेस्ट द सुटेबल वर्क, सर्वाइवल फिटेस, डार्विन, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो ये क्या होगा यहाँ पे, लेमार्क, आयन लेमार्क, तो ये देख लेना जो भी आंसर है यहाँ पे। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू एनफोर्स जीन फ्रॉम बेसिलस, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है थोड़ा सा देख लेना, इज इंट्रोड्यूस इनटू द सोयाबीन। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ट्रू है या फॉल्स है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन पेपर के अच्छे से आंसर ढूंढने हैं, और आप चाहो तो उन आंसर को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी। नेम द फॉलोइंग, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको अच्छे से ढूंढना है, एस्केरीज आंसर है, चेकआउट कर लो यहाँ पे, किंगडम वाला चैप्टर के आंसर है। फाइंड द ऑड वन आउट, एक्टिन, ओसिन, मायोसिन और मेलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंटानिन गम के यहाँ पे आपको नाम्स लिखने हैं, कौन कौन से, विद रिस्पेक्ट टू यूजेस, फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिव साइंटिफिक रीजन, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पहला तंबाकू के बारे में, तंबाकू च्यूइंग इंजरियस फॉर हेल्थ, बॉयलर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट हैव द टॉल चिमनीज, क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, थोड़ा बहुत मैंने शॉर्ट हिंट आपको यहाँ पे लिख के दे रखी है, बाकी आप लोग आराम से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस का, डिस्टिंग्विश आपको लिखना, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, हैप्लोइड की डिप्लोइड, कैसे सेल्स बनते हैं, कैसा डिविजन होता है, वेट मैं नहीं बता रहा हूँ, आप ढूंढ लो। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फेमिन, फेमिन के इफेक्ट क्या होते हैं, स्टेट द यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स के यूजेस। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है यार, ये बोर्ड्स के लिए भी आप लोग तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। तो यूजेस ऑफ स्टेम्स रीजनरेटिव थेरेपी में होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में होते हैं, और बहुत जगह पे होते हैं आपकी किताब में, बढ़िया से। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये चार्ट आपको कंप्लीट करना, फाइलम बताना है, बॉडी सिमेट्री है या नहीं है वो बताना, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, ए सिलोमेटर, सुडो सिलोमेटर या सिलोमेटर, ठीक है। ड्रॉ द नीट लेवल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग,
मल्टीपल फिजन इन अमीबा, मल्टीपल फिजन इन अमीबा, पता आपको एडवर्स कंडीशन में अमीबा के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर्ष इन्वायरमेंट से, और जब इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है तो वहां पे मल्टीपल फिजन होते हैं। ओके, नॉर्मली अमीबा बाइनरी फिजन दिखाता है, ठीक है। हो फिर है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द शॉर्ट नोट, इस पे शॉर्ट नोट लिखनी है, प्लास्टिक बैग नेसेस बैन क्यों करने चाहिए उस पर लिखना है, और व्हाट इज द विंड टर्बाइन, ये सब आंसर आपको करने हैं। फिर देखो एक्सप्लेन जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, और ये वाले सारे कर लेना, अच्छे से कर लेना, पेस्ट कर लेना, प्रिपेयर करके जाना, एक बार देख लेना, ज्यादा टाइम मत देना, मैं नहीं बोल रहा हूँ ज्यादा टाइम इसी क्वेश्चन पेपर पे वेस्ट करो, आप अपना रिविजन करो, बस एक बार ओवरव्यू ले लेना तो एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा भाई इस टाइप का क्वेश्चन पेपर भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, कंटिन्यू आंसर द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, तो ये वाला क्वेश्चन करके जाना, विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैक्सीनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला डायग्राम है, ये वाला नहीं आएगा बट जस्ट चेक करना कहाँ का पूछा गया, फोटोवोल्टाइक सेल वगैरह में मिल जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो चैप्टर है ना एनर्जी का आपका। एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ऑब्वियसली यार ये तो आपने रट रखा होगा, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर वगैरह सबके बारे में, एंड्रोशियम गाइनोशियम वगैरह सब पढ़ रहा होगा आपने, जर्मिनेशन वगैरह, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। और फिर ये वाला क्वेश्चन, ये वाले सारे क्वेश्चन आपको इसी पे दे रखे हैं, तो आपको बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, और संडे वाले सेशन के बारे में जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवा लेना, 40 स्टूडेंट लास्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।